इसके ऊपर पी निशान लगाया हुआ है ताकि आवाम को पता चलता रहे कि ये नए ड्राइवर की गाड़ी है, थोड़ा बच बच के पीछे पीछे हो जाओ। अच्छा जी, अभी ने एक गाड़ी देखी है, ने घर से कोई घंटे डेढ़ की मुसाफत पे हम जो है वो आए हैं यहाँ पे, और जब गाड़ी लेने का सोच रहे थे हम, तो हमने जितने भी लोगों से मशवरा लिया सब ने यही कहा कि देसी बंदा जो है उससे गाड़ी नहीं लेनी। तो हमने अपने माइंड में बस ये बिठा लिया हुआ है कि जो भी देसी बंदा होगा हमारी तरह का, उससे हमने डील नहीं करनी, उससे गाड़ी नहीं लेनी। तो फिर हम उसके लिए हम ये करते हैं कि जिस भी डीलर के पास जाना होता है पहले उसे कॉल करते हैं, हम उससे पूछते हैं उसका नाम, उसका एड्रेस वगैरह, तो उससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि ये बंदा देसी नहीं है, चले हम इसकी दुकान से जाके जो है वो गाड़ी देखते हैं जाके। तो आज हमारे सब हाथ हो गया, हमने एक बंदे को कॉल की, एक डीलर को, तो उसने बिल्कुल गोरू वाले एक्सेंट में कहा, जनाब मैं एडम बात कर रहा हूँ और आप आ जाएँ, आप आके गाड़ी देखें। तो हमने कहा भाई बंदा तो जो है वो जेन्युइन लग रहा है, देसी नहीं है। तो वहाँ पे जब हम गए तो वो जो है वो एक मीरपुर वाले भाईजान वहाँ पे खड़े थे, तो हमने कहा हमने एडम से मिलना है। वो कहता है हाँ जी एडम भी आ जाता है, आप जो है वो रुकें, आप बताएं आपको क्या काम है। हमने कहा हमने गाड़ी लेनी है लेकिन हमने एडम से जो है वो बात की हुई है गाड़ी की, तो हमने उससे लेनी है। वो कहता है वो एडम मैं ही हाँ, मैं नाम मेरा मंशा है वैसे, लेकिन मैं इतने एडम ही दस सारे। तो वो हमारे साथ हाथ हो गया, फिर उसने हमें गाड़ी दिखाई। बहरहाल तो बस वही बात हुई उसमें, जो है वो छोटी छोटी इस तरह की चीज़ें थी जो हम गाड़ियों के मामले में बड़े लेमैन हैं, लेकिन फिर भी हमने पिक कर ली वो जो चीज़ें उसने नहीं लिखी हुई थी, दिखाई नहीं थी हुई, लेकिन हमें नज़र आ गई। तो खैर फिर एक तो नाम भी उसने धोखे वाला हमें बताया, एडम बता के निकल मंशा आया, तो दूसरा गाड़ी में भी थोड़ी बहुत गड़बड़ थी। तो खैर हम उसे छोड़ के अब जो है वो एक और डीलर की तरफ जा रहे हैं, तो देखते हैं अब क्या होता है, आज मिलती है गाड़ी या नहीं। मैंने ड्राइविंग टेस्ट रिसेंटली पास किया अपना यूके में, तो अभी जो है वो गाड़ी की तलाश में हूँ। यूके में गाड़ी लेना जो है वो इतना मुश्किल नहीं है पाकिस्तान की निस्बत, लेकिन जो उसके प्री रिक्विजिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ चल रही होती हैं उनको, ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों को हर साल एक टेस्ट पास करना होता है जिसे MOT कहते हैं। तो उसमें वो मेजर चीज़ें जितनी भी होती हैं गाड़ियों की वो सारी देखते हैं, टायर्स देखते हैं, इंजन देखते हैं, जो मिरर्स होते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह, सारी चीज़ें जो हैं वो देखते हैं क्या वो अगले साल के लिए चल सकती है या नहीं, और अगर नहीं उनमें किसी भी चीज़ में मसला हो तो वो उसको फिर चेंज करने का कहते हैं। जब तक वो चेंज नहीं होगा वो MOT क्लियर नहीं करेंगे, और जब तक गाड़ी का MOT क्लियर ना हो गाड़ी रोड पे नहीं आ सकती। एक चीज़ MOT हो गई, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो गाड़ी की इंश्योरेंस होती है। यहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं वो सारी इंश्योरेंस पे होती हैं, आप इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी चला नहीं सकते यहाँ पर। इंश्योरेंस का मतलब ये कि अगर आपकी गाड़ी जो है वो किसी जगह पे एक्सीडेंट हो जाता है कोई आपका, और आप नुकसान कर देते हैं, अपनी गाड़ी का नुकसान हो जाता है या किसी दूसरे की गाड़ी का नुकसान हो जाता है, तो वो जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो उसका अजाला करती है, वो उसके लिए पे करती है। तो मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं इंश्योरेंस की, एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है, उसमें वो सबसे सस्ती वाली होती है, उसमें सिर्फ जो अगली गाड़ी का जो नुकसान हुआ है इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ उसको पे करेगी, आपकी गाड़ी का नुकसान जो है वो आपने खुद ही उसको ठीक करना होता है। इन शॉर्ट आपने हर गाड़ी की इंश्योरेंस देनी है, फिर आपने उसको रोड पे लेके आना है, इंश्योरेंस के बगैर आप उसको चला नहीं सकते। तो MOT पास हो गाड़ी का, और दूसरे नंबर पर उसका जो इंश्योरेंस है वो होनी चाहिए। सर तुसी मोटर वेज तो नहीं लगे डॉक्टर? नहीं नहीं सिर्फ और सिर्फ कायदे कानून ही दसी जा रहे हो। नहीं बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, मैं नया नया ड्राइवर हूँ ना, अभी सीख रहा हूँ मैं उस्मान बुजदार की तरह, इसलिए जो है ना अभी सीख रहा हूँ ना, ऐसा ट्रेनिंग हो रही है मेरी, ट्रेनिंग अभी नया नया शबाज शरीफ लगा हुआ है इधर। अच्छा खैर बैक टू द लेसन, तो
दो चीज़ें ये हो गई, MOT और इंश्योरेंस। फिर उसके बाद यहाँ पे गाड़ियों की जो कीमत है वो उनके मॉडल से ज़्यादा उनकी माइलेज पे डिपेंड करती है कि कितना चली हुई है गाड़ी। जो ज़्यादा चली हुई होती हैं गाड़ियाँ उनकी प्राइसेस बहुत नीचे आ जाती हैं, और जो जिनकी माइलेज कम होती है चाहे उनका मॉडल नीचे भी हो डाउन भी हो तो भी उनकी प्राइसेस अच्छी खासी होती हैं। पाकिस्तान में जो है वो उधर भी ऐसे ही होता है सर, ऐसे ही उधर भी ऐसे ही। मैं किसी गाड़ी फर्क नहीं है मैं कभी ले ही नहीं था, मैं ट्रेनिंग हो रही है ना उधर भी ऐसे ही है। अच्छा बस उधर एक मसला होता है कि लोग जो है ना वो उसकी माइलेज चेंज कर देते हैं, मीटर रीडिंग चेंज हो जाती है। अच्छा बाकी उधर भी है। यहाँ पे आप मीटर रीडिंग को अगर चेंज करेंगे तो पता चल जाता है, जब भी MOT नेक्स्ट MOT के लिए लेके जाते हैं तो वो वहाँ पे डिफरेंस जो है वो पता चल जाता है आपका कि आपने MOT को सॉरी उसकी मीटर रीडिंग में चेंजिंग की है, आपने माइलेज पीछे की है या नहीं। तो इसलिए यहाँ पे माइलेज को कम ज़्यादा करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, करते हैं लोग, हमारे जैसे जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं तो करते हैं लोग, लेकिन फिर भी काफ़ी कम चांसेस होते हैं। जी गाड़ी ले ली है मैंने, अभी जो है वो देखने जा रहे हैं गाड़ी कैसी है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। और मौसम बहुत मज़े का है, स्नोफॉल हो रही है तो इंजॉय कर रहे हैं स्नोफॉल को भी साथ में जो है वो। अभी आपको मैं गाड़ी दिखाता हूँ, ये गाड़ी है जनाब, इसके ऊपर पी निशान लगाया हुआ है ताकि आवाम को पता चलता रहे कि ये नए ड्राइवर की गाड़ी है, थोड़ा बच बच के पीछे पीछे हो जाओ। हाँ खुल गई है अभी, चलें जी बैठ जाए। गाड़ी ले ली है मैंने, बड़ी ज़बरदस्त चल रही है माशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वहाँ से दूसरे सिटी से लीड्स से मैंने यॉर्क आना था तो काफ़ी अरसा मैंने नहीं चलाई, ड्राइविंग टेस्ट मैंने पास किया था बैक इन सितंबर और उसके बाद से अब तक जो है वो गाड़ी नहीं चलाई थी मैंने बिल्कुल भी, और काफ़ी मैं डरा हुआ था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिर भी खैरियत से पहुँच आए हैं। अभी टेस्ट ड्राइव के लिए फिर दोबारा से मैं जाता हूँ कहीं। मुझे अभी वो डीलर्स जो हैं उन्होंने बताया मुझे कि आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप टू डेट रखना होता है, मतलब आपका जो भी एड्रेस होता है उसके मुताबिक वो जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके ऊपर वही एड्रेस होना चाहिए जहाँ पे आप रह रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, उसकी वजह ये है कि अगर आप कोई भी ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हैं, ओवर स्पीडिंग कर देते हैं किसी जगह पर, तो जगह जगह पर तो कैमरे लगाए होते हैं इन्होंने, तो अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं या आपको नहीं पता चला आपने सिग्नल तोड़ दिया या कुछ भी पार्किंग किसी ऐसी जगह पे कर दी है जहाँ पे पार्किंग अलाउ नहीं थी या पेड पार्किंग थी आपने ऐसी कर दी, तो आपको फिर टिकट आ जाता है और वो टिकट आता है बाय पोस्ट और उसी एड्रेस पे आता है जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे होता है। और अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट नहीं किया हुआ तो फिर आपका वो टिकट आपको नहीं मिलेगा और आप अगर पे नहीं करेंगे तो आपका फ़ाइन बढ़ता रहेगा, तो इसलिए अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस पे एड्रेस होता है उसको हमेशा अप टू डेट रखना चाहिए। तो अभी मैंने फिर अप्लाई कर दिया अभी नए एड्रेस के लिए, तो अब देखें कब वापस मिलता है मुझे नया मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पे पास करना जो है वो आप समझ लें कि एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है और बहुत से लोग बड़े नर्वस भी होते हैं इस एग्ज़ाम को लेके, और अक्सर लोगों का जो है वो फर्स्ट या सेकेंड अटैम्प्ट में पास नहीं भी होता, कुछ लोग होते हैं लकी जिनका पास हो जाता है मेरी तरह। नो आई मीन इट वेरीज़ फ्रॉम एरिया टू एरिया, जो कुछ मतलब आप कह लें कि सिटी से थोड़ा सा दूर एरियाज जो होते हैं उनमें आसानी से आपको पास कर देते हैं, वो ड्राइविंग जो है वो टेस्ट पास करना इतना मुश्किल नहीं होता वहाँ पे, लेकिन जो एरियाज सिटी से करीब होते हैं ज़्यादा बड़े जो मेजर सिटीज़ होती हैं लाइक मैनचेस्टर हो गया लंदन हो गया, तो वहाँ पे पास करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि रोड्स भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, फिर उसके बाद राउंड अबाउट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ट्रैफिक भी ज़्यादा होती है।
तो वो थोड़ा सा ज़्यादा, अब पॉपुलेशन भी डेफिनेटली ज़्यादा होती है तो वो थोड़ा सा कॉशियस होते हैं और अक्सर आपको जो है वो पास नहीं भी करते। तो ये था मेरा गाड़ी लेने का सफ़र। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ हम आप तक पहुँचाते रहें।